अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टेक्स्ट एनिमेशन नाम कैसे लिखा जाता है। तो आपने देखा होगा टिकटॉक पे बहुत से जो है ना वीडियो वायरल हो रही हैं, लोग जो है ना टेक्स्ट एनिमेशन नाम बना कर जो है ना अपनी वीडियो वायरल कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों की डिमांड है यार हमारा नाम लिखो, तो आप ही ऐसा नाम बना सकते हैं, ये बहुत ईजी है। तो इसके लिए जो है ना और भी बहुत सी ऐपें हैं जो है ना उससे भी बन जाता है, पर वो जो है ना इतना कोई खास नहीं। तो जो तरीका मुझे पता है तो वो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो उसके लिए आपको तीन ऐपों की ज़रूरत पड़ेगी, पिक्सेल लैब और बैकग्राउंड रेजर और कैन मास्टर। तो ये तीनों ऐपें आप डाउनलोड कर सकते हैं और इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लें। तो सबसे पहले आपने जो है ना पिक्सेल लैब ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद जो है ना ये ऊपर थ्री डॉट पर जाना है। थ्री डॉट जाने के बाद जो है ना इमेज साइज़ पर जाके आपने कस्टम पर जाके जो है ना यूट्यूब थंबनेल वाला जो है ना सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो है आपने जो है ये नीचे चार पांच ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, आपने जो है ना ऑप्शन नंबर चार पे जाके क्लिक करना है और ट्रस्ट प्रिंटर पे जाने के बाद साथ ही कलर पे जाके जो है ना आपने जो है ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है। ब्लैक कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है सिंपल जो है नंबर टू पे ए पे आ जाना है। ये जो ए लिखा हुआ है ए पे जो है ना एडिट पे जाके यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, ये मैंने अपना नाम लिख दिया, आप भी अपना नाम या किसी का भी नाम लिख सकते हैं। नाम लिखने के बाद आप सिंपली जो है ना आप जाएंगे ये आगे साइज़, ये लिखा हुआ साइज़, साइज़ पे जाने के बाद इसका थोड़ा सा हम इसका साइज़ बड़ा कर लेंगे। ये हम साइज़ बड़ा कर रहे हैं जी, ये इसका साइज़ हमने बड़ा कर लिया। सिंपली इसको यस कर देंगे। उसके बाद जो है ना आपने आगे जाना है फ़ॉन्ट पे। फ़ॉन्ट पे जाने के बाद आपने यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं ये कर लेता हूँ। ये मैंने करने के बाद उसके बाद सिंपली आपने थोड़ा सा और आगे जाना है। आगे जाने के बाद स्पेस पे जाना है। स्पेस पे यस करने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा देना आपने। जैसे मैं ये कर रहा हूँ मैं इसको तकरीबन 20 पे रख देता हूँ। ये देखें जी मैंने 20 पे रख के इसको कर लिया यस। सिंपली उसके बाद आपने जाना है जी स्टॉक पे। स्टॉक पे जाने के बाद इसको अनेबल करना है। अनेबल करने के बाद ये आपने वाइट कलर सेलेक्ट करना है। वाइट कलर सेलेक्ट करने के बाद इसका जो है ना थोड़ा सा बढ़ा लेना है। मैं इसका तकरीबन 8 कर लेता हूँ, 8 रख लिया यस करने के बाद। उसके सिंपली आपने बैग जाना है। बैग जाने के बाद ये आपको नज़र आएगा कलर, कलर पर जो है ना सेलेक्ट करना है और सिंपली आपने ब्लैक कलर रखना है। ब्लैक कलर रखने के बाद सिंपली आपने यस करना है और ये जी हमारी तस्वीर जो है ना तैयार हो गई। ये हमारा नाम रेडी हो गया। सिंपली हमने ये जगह इसको सेव करना है। और दोस्तों जो है ना आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियो hey there, आपको मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकन। उसके बाद जो है आप जो है ना बैकग्राउंड रेजर वाली ऐप ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद जो है ना लोड फोटो पे क्लिक करना। लोड फोटो पे क्लिक करने के बाद ये आपने जो है ना आपने नाम वाले फ़ोटो ओपन कर लेनी है, डन कर लेनी है। डन करने के बाद जो है ना नंबर थ्री पे जो है ये नंबर टू पे ऑटो, ये ऑटो नज़र आएगा। आपने इसको ओके करना है। इसको थोड़ा जूम करके ये रेजर इधर ऊपर आन कर रखना है, इसके ऊपर ले कर रखना है जी। ये देख लें जी मैं इसको ऊपर रखता हूँ। ये देखें जी हमारा ई फुल तैयार हो गया। ऐसे आपने इसको सारे जो आपने नाम को तैयार कर लेना है जी। मैं इसको तैयार कर रहा हूँ, आप बेशक इसको थोड़ा जूम भी कर लेते हैं, जूम करके भी कर सकते हैं, इससे जल्दी हो जाएगा। मैं थोड़ा वीडियो जल्दी में बना रहा हूँ इसलिए जो है ना थोड़ी सही नहीं बनेगी, आप जो है ना अपनी मर्ज़ी से सही करके बना सकते हैं। तो इस तरह जो है ना करने के बाद मैं इसको भी कर लेता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपको दोस्तों के भी काम आ सकती है। तो हर कोई आज कह रहा है यार मुझे ऐसा नाम बना के दो। सिंपली हमारा ये बन गया, इसका हम चेक भी कर सकते हैं। ये देखो जी हमारा थोड़ा सा ये रह गया, इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ से भी थोड़ा रह गया था, यहाँ से भी कर लेते हैं और सिंपली इसको कर देते हैं डन। उसके बाद जी 1 2 3 इसको आप 4 या 5 कर लें, मैं 5 कर लेता हूँ। इसको सिंपली सेव, उसके बाद फिनिश। ये लो जी ये हमारी होगी तस्वीर सेव। उसके बाद बैग जाना है। बैग जाने के बाद आपने कैन मास्टर ओपन करना है। कैन मास्टर ओपन करने के बाद जी आपने सिंपली जो है ना ये ओपन करना है। मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद आपने जो है ना वो बैकग्राउंड जो है ना बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड कलर ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला करके कर लेना है थोड़ा सा बड़ा। ये देख लें जी हम इसको कर लेते हैं 20 पे। आप अपनी मर्ज़ी से वीडियो बना सकते हैं जितना भी कर लें। उसके बाद सिंपली आपने लेयर पे जाना है और मीडिया पे जाना है और ये वाली रेजर वाली जो है ना तस्वीर इस पर कर लेनी है। इसको कर लेते हैं हम इधर एडजस्ट। ये हो गए जी एडजस्ट। इसको एडजस्ट करने के बाद सिंपली हम इसको थोड़ा सा कर देंगे बड़ा। सिंपली ये बड़ी हो गई, उसके बाद करेंगे यस। उसके बाद हमने जो है ना जाना है सीधा लेयर पे। लेयर पे जाने के बाद नीचे जो है ना सबसे नीचे ऑप्शन है टेक्स्ट के नीचे हैंड राइटिंग, इसको करेंगे यस। वाइट कलर रखना है आपने, वाइट कलर यस।
ये पहले वाला ब्रश रखना है और इसको थोड़ा बहुत छोटा बड़ा कर लेना है जैसे अपनी मर्जी से। ये हमने थोड़ा सा कर लिया बड़ा। अब जो है ना हम करेंगे जिसको ई बनाएंगे। ये जी ये ऐसा करना है कि आपने रोकना किसी भी जगह पे नहीं है, डायरेक्ट इसको चलाना ही रखना है। ये देखें जी हम ई बना रहे हैं, आप देख रहे हैं जी हमारा रोक नहीं रहा। ये देखें जी हमारा ई बन गया। अब आप कहेंगे यार ये कैसा ई बना है, अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये नीचे आपको जो है ना थ्री डॉट नज़र आएंगे, इस पर क्लिक करना है, सेंड टू बैक, सेंड टू बैक पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे। ये देखें जी हमारा ई बन के तैयार हो गया। इसको करेंगे आगे, ये देखें जी उसके बाद ये ऊपर इधर करेंगे, ये नीचे लिखा हुआ ड्रा बाय स्ट्रोक, इसको करेंगे थोड़ा सा इसका जो है ना स्लो मो कर लेते हैं। ये अपनी मर्जी से आप जितना भी करें कर सकते हैं जी। ये लें जी ये हमारा ई बन के तैयार हो गया। अब हम नेक्स्ट लेयर बनाएंगे, लेयर पे जाएंगे, फिर वही सिस्टम में नीचे जाएंगे। अब हम बनाएंगे जे, जे को भी इसी तरीके से बना लेंगे, ठीक है जी। सेंड टू बैक पे जाएंगे, ऐसे करने के बाद यस करेंगे। ये देखें जी हमारा जे थोड़ा सा बन गया, ये थोड़ा सा नीचे रह गया, इसको हम दोबारा से बना के दिखा देते हैं आपको। ये रुकना नहीं चाहिए, रुकेगा तो फिर जो है ना बीच बीच से रुक जाएगा। अब ये देख लेना जी ये जे बनेगा हमारा, ये हमारा बन गया जे, फिर भी थोड़ा सा रह गया। तो मैं जल्दी से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आपको जो है ना वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है ना मैं सही अच्छे तरीके से नहीं बना रहा, तो आप अपनी तरीके से सही बना लेंगे आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारा जे भी बन गया। उसके बाद जो है ना हम फिर वही तरीका करेंगे, एक मिनट, ये भी बन गया हमारा। उसके बाद जो है ना हम केक भी बना लेते हैं, सेम सिस्टम है ये बिल्कुल, ऐसे ही ऐसे करते रहना आपने जो है ना, जितने भी आपके नाम के जो है ना वो हैं, एक मिनट, ये हमारा ए भी बन गया। अब जी हमने जो है ना जेड को भी बना लेना ऐसे ही करके, ये हमारा मैं थोड़ा जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ इसलिए सही नहीं बन रही है। आपने जो है ना आपने अंदाजे से अच्छी सी वीडियो बना लेनी है और टिकटॉक पे ऐसे वायरल होगी जैसे जो है ना पानी और वाह और आग वायरल होती है, ठीक है। ये देख लें जी ये हमारा नाम बन के रेडी हो गया सिंपली, ठीक है जी। उसके बाद आपने जो है ना फिर जो है ना इसका जो कलर हमने लिखा हुआ था ये कलर कर लेना है डिलीट, मीडिया पे जाके बैकग्राउंड में जाके ब्लैक कलर रख लेना है। ये लिखे जी हमने रख लिया ब्लैक कलर, इसको कर लेंगे आगे। करने के बाद जी अब ये देखना जी हम आपको प्ले करके दिखाते हैं अपना नाम। ये देखें जी ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा नाम बना है। इस तरह आप भी अपना नाम करके बना सकते हैं, इसमें और भी इफेक्ट वगैरह लगा के बहुत ही ज़बरदस्त कलर शलर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपना नाम बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि अपने दोस्तों को भी पता चले कि हाँ भाई इस तरह का नाम ऐसे लिखा जाता है। और इसमें जो है ना आप अपनी कोई वीडियो पीछे लगा के और भी इसका कलर शलर चेंज करके और बहुत अच्छी सी वीडियो बना सकते हैं। ओके, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।